जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है आइसोलेट के एक और नई वीडियो में। इसमें अपन देखने वाले कि प्लेस ऑन मॉड्यूल को कैसे यूज़ किया जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट में जाके हमारा सीएमडी खोल लेते हैं, क्योंकि आज जो है उसमें प्ले साउंड के लिए एक मॉड्यूल को पहले इंस्टॉल करना होता है। अगर आपने पहले से ही कर रखा है तो भी आप देख लीजिए, क्योंकि छोटा सा स्टेप है। आपने बस लिखना होगा pip install play sound। मैं इसके कमांड में को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे इसमें ऑलरेडी तो लिख के आ रहा है, हमारे इसमें पहले से ही है। अभी आपको जो है कोई भी आप आईडी खोल सकते हैं, पाइचाम वगैरह खोल सकते हैं। मैं तो ऑफिशियल आइडल यूज़ कर रहा हूँ इस समय। तो इधर आइडल में इस समय अपन यहाँ पे कोड लिखेंगे। सबसे पहले एक नई फाइल बना लेंगे। हम यहाँ पे फाइल पहले बना लेते हैं, और यहाँ पे बस दो लाइन के कोड से हमारा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे अपने सबसे पहले लिखना होगा इम्पोर्ट प्ले साउंड, PLAYSOUND प्ले साउंड। और अगले लाइन में अपने को लिखना होगा प्ले साउंड, सब स्मॉल रहेगा, प्ले साउंड डॉट प्ले साउंड, इसे डॉट डॉट ऐसा रहेगा, तो प्ले साउंड डॉट प्ले साउंड। हाँ, और आप देख सकते हैं कि ऐसा वहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कराना है अंदर अपना लिंक का, वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमास में। और अभी इस अपने सिस्टम पे मैं एक फट से एक वीडियो अपना एक गाने का लिंक लेके आ जाता हूँ। इस बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये गाने को जो है सी ड्राइव में नहीं रखना है, नहीं तो वो फेच नहीं कर पाता। तो आपको डी ड्राइव में रखना है, वो ज़रूरी है। और चलिए अभी मैं अपना गाना यहाँ पे कोड अपने रन कर लेता हूँ, गाना अपने आप बच जाएगा। कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो प्ले साउंड वाले मॉड्यूल पे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर से लाइक कीजिए, और नहीं लगा तो जरूर से डिसलाइक कर दीजिए। और अगर अच्छा लगा नहीं लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट जो है का इसी चैनल में होगा, बाकी और कहीं नहीं होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। What we do here is go back, 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 back.